सुबह चल दिए हैं अपने सफ़र पर, ड्यूटी पर। जैसे आदमियों की ड्यूटी होती है ना, वैसे हम औरतों की भी ड्यूटी होती है। और उनकी तो सुबह कई लोग भाई जल्दी जो उठने वाले हैं उठ जाते हैं, नहीं तो अपने टाइम पे ही उठते हैं। वैसे ही हम लोग भी अपने टाइम पे उठ जाते हैं, क्योंकि हमारी भी एक टेंशन होती है कि बच्चों को स्कूल टाइम पर भेजना है, और सारे इतने सारे काम होते हैं ना, अगर लेट हो जाते हैं तो फिर लेट ही होता जाता है और सारे काम इधर उधर हो जाते हैं। तो अब अलार्म कभी बजता है नहीं बजता है, अपने आप आँख खुल जाती है। ऐसी होती है, ये जिम्मेदारी होती है। जैसे जब आदमी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती ना, तो अलार्म बजे बिना आँख नहीं खुलेगी। और जब जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, आदमी की टेंशन हो जाती है, हाँ हमें अपने काम सारे टाइम पे करने हैं, तो अलार्म का वो नहीं रहता है। अलार्म बजे ना बजे हम उठ के चल देते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, और मेरे ख्याल से आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। और सुबह उठ के थोड़ा सा जब मुँह धुलो ना, तब नींद भागती है, आलस थोड़ा सा कम होता है, सुबह आलस आता है। अक्सर सुबह के टाइम में नींद बड़ी अच्छी आती है, और लेकिन हमें उठना ज़रूरी है, इसलिए उठ जाते हैं भाई, काम करना है। लेट के फिर अच्छा भी नहीं लगता, लेट हो जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है कि काम उठो लेट से, फिर काम में लगो, फिर लेट लेट सारे काम हो। इसीलिए मैं, मेरा जो टाइम है उससे कभी पहले, कभी 10-5 मिनट हो सकता है, इधर उधर हो जाए, बाकी उठ के अपने काम पे लग गई हूँ। और पिछले वीडियो में ना आप लोगों के कई सारे कमेंट आए कि आवाज़ डबल आ रही थी, तो गलती से हो जाता है मिस्टेक एडिटिंग में ना, कभी कभी हम ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, सॉरी उसके लिए। आप लोगों को बड़ी परेशानी, मतलब भाई कोई भी होगा, डबल आवाज़ आएगी तो क्लियर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो गुस्सा भी आएगी, लेकिन आप लोगों ने उसके बावजूद भी झेला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कीमती समय निकाल कर देखते हैं वीडियो पे, लाइक और कमेंट करते हैं, इसके लिए मैं जितनी भी धन्यवाद करूँ, जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो एडिटिंग क्या होता है ना, कई बार काम वाम करते रहते हैं, फ़ोन वगैरह एडिटिंग के टाइम पे ना फ़ोन वगैरह आ जाता है और कुछ हो जाता, तो इस वजह से कई बार मिस्टेक हो जाती है। अगर हम लगातार लगे रहें तो नहीं होता, जैसे किसी का बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो गड़बड़ नहीं होती है। और हम हाउसवाइफ हैं तो ऐसा जल्दी नहीं होता है कि हम जिस काम में लगे हैं लगे, कई बार हमें वो काम छोड़ के ना दूसरे काम के लिए भागना पड़ता है, ऐसा होता है। और सुबह सुबह ही गौ माता आ गई थी, तो जो रोटी रखी रहती है निकाल के, वो रोटियां ले जाकर खिला दी हूँ, और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, झाड़ू वगैरह लगा दी है, अब सफाई करके देर तक धुलाई वगैरह करके आ गई हूँ, रख दी है अपनी चाय, और तब तक ये बर्तन वगैरह लगाऊंगी स्टैंड में, और एक दो बर्तन जैसे रात में भी 2-4 बर्तन एक साथ जूठे हो जाएंगे, बर्तन किचन कर लो, साइड में आपको रखा दिख रहा होगा, तो मैं सिंक में नहीं डालती हूँ, साइड में जैसे रख दिया, और उसके बाद जब धुलना हुआ तो नीचे रख डाल के फिर धुल दिया। तो ऐसा मैं, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे लोगों की आदत होती है तो वही है, मेरी भी ऐसी कुछ आदत है, अच्छी आदत हो जाए गंदी आदत हो पर है। और यहाँ पर मैं अपनी चाय चढ़ाती हूँ, और अभी मौसम इतनी गर्मी वाला नहीं है, तो ये मैंने डेली में शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक तरह से आपकी जैसे मोटापा वगैरह है वो ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, और हेल्थ के लिए भी, पेट के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए मैं इसी को चाय की तरह पीती हूँ। वैसे तो अगर आप इसमें गुड़ नहीं डालते हैं तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो आपके लिए, जैसे कोई मोटापे को कम करने के लिए पीना चाहते हैं तो सौंफ, जीरा और अजवाइन ये डाल के सिर्फ उबाल के इसको रात में ही भिगो दें, और सुबह उसी पानी को थोड़ा सा उबाल के पी लें छान के, तो वो आपको मोटापे को कम करने में हेल्प करेगा। लेकिन मैं ना इस तरह से पीती हूँ कि मेरे हेल्थ पे, मतलब ऐसे भी ये फ़ायदेमंद होता है, हल्का सा गुड़ डाल देती हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा मीठा चाय की तरह मुझे स्वाद आता है, इसकी जगह चाय की जगह मैं यही पी लेती हूँ। और अभी होने वाले हैं, आज 8-9 दिन हो गया, 10 दिन मुझे ये नींबू पानी शहद पीना था, और 10 दिन के बाद फिर बंद करूँगी, फिर चालू करूँगी, ऐसे करूँगी, क्योंकि लगातार कोई चीज़ आप लंबे समय तक जैसे करते हैं, नींबू वगैरह अच्छा भी होता है और ज़्यादा टाइम आप पियेंगे तो अच्छा नहीं भी होता है,
तो इसलिए मैं लंबे समय तक नहीं पीती हूँ, चेंज कर देती हूँ। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ वीडियो में, और बाहर देखिए कुछ बेचने वाला जा रहा है रोड पे ना शोर। वैसे तो रूम में मैं अंदर बैठ के वॉइस ओवर देती हूँ, लेकिन वो आवाज़ जो है कई बार बाहर का शोर जो है आ ही जाता है वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने ये पत्ता गोभी ली है, आज इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और अपनी चाय ले ली हूँ, और इनको भी दे दिया था, ये बाथरूम वगैरह गए थे तो इनकी रखी हुई है, ढक के मैंने वहीं रख दी थी छान के कि क्या कहते हैं जब आएंगे ताकि ठंडी ना हो। और अपनी ले ली थी चाय, और बस उसके बाद अभी सब्जियां काटी, आके तुरंत सब्जी डाली, और इधर बच्चों के लिए चाय चढ़ा दी हूँ। और थोड़ी सी चाय बना देती हूँ, ऐसे बच्चों को चाय देना अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन इनकी आदत पड़ चुकी है मैं कहूँगी कि थोड़ी सी चाय चाहिए होती। आधा कप ही देती हूँ, ऐसा नहीं कि ज़्यादा देती हूँ, आधा कप चाय दूँगी। और सब्जी रहती है, थोड़ी सी सब्जी दे दूँगी। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट वगैरह भिगा के रखे थे वो निकाल के इन लोगों को ऐसे ही प्लेट में लगा के रख देती हूँ तीनों लोगों का, और ये अपना तीनों लोग अपने आप ही फिर ले लेंगे। ऐसे रखा रहेगा तो नहीं लेंगे, अगर किचन में रखा है कहूँ ले लो अपने से लेके खा लो। इतनी गंदी आदत है बच्चों की कि अपने से लेकर नहीं खाएंगे। जब मैं ऐसे तीनों लोगों का लगा के और रख दूँगी टेबल पे, तब देखेंगे और तब उठा के तब खा लेंगे। तो यहाँ पर चाय पक रही है, सब्जी पक रही है, और इस तरह से डबल वाला ना मैं कई बार ऐसे डबल वाला बना लेती हूँ, दो लोई को मतलब चकले, पता नहीं क्या आप लोग बोलते होंगे, तो दो जो हम बनाते हैं ना पूड़ी बेलने के लिए क्या बोलते हैं बताइएगा, मैं तो लोई ही बोलती हूँ, हमारे यहाँ लोई ही बोलते हैं। तो दो लोई लेके उसमें आटा एक में लगा के और तेल लगा देते हैं बीच में, आटा पैथन लगा के, पैथन बोला जाता है आटे को, पैथन लगा के उसमें तेल लगा के ऐसे बेल देते हैं साथ में। तो ये बहुत पतली पतली बनती हैं, और बड़ी बड़ी बेल दो, और वैसे अकेला उतना पतला नहीं होगा, दो रहते हैं तो काफ़ी पतले हो जाते हैं। और ऑयल ऐसे ही लगा के सेक के एक को दो कर देती हूँ, और बच्चों को नाश्ते में दे देती हूँ मैं। ये जल्दी भी हो जाता है, जैसे आपको जल्दी है तो जल्दी में, मैं जब ज़्यादा जल्दी रहती तो अक्सर यही करती हूँ, नहीं तो सिंगल वाले पराठे जो तिकोने वाले बनते हैं ट्राइंगल वाले, वो वाले पराठे मैं बनाती हूँ स्कूल के लंच बॉक्स में देने के लिए। और घर में मैं रोटियाँ सुबह के टाइम में जो नाश्ता देती हूँ, रोटियों में अक्सर बटर लगा के, तो रोटियाँ दे देती हूँ। और उसके बाद बस यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं तैयार हो चुके हैं, आज देव नहीं जा रहे हैं तो देव को ये लेकर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ब्लड सैंपल वगैरह देव का दिया था, उसको स्किन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो दिखाया, तो ब्लड जांच वगैरह के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था एक्सरे वगैरह कराने के लिए, तो इसलिए उसकी बीच बीच में छुट्टी वगैरह करा के उसको दीक्षा पहले लेके गई थी, आज इन्होंने छुट्टी ली है तो आज ये लेकर जाएंगे। तो गौ माता दोबारा से आ गई थी, तो फिर इन्होंने जाके मतलब रोटी ले आके, जब सुना कि गौ माता आई है तो फिर मैंने बोला कि ऊपर रोटी रखी है ले आना, तो बस ले आके रोटी फिर खिला दी थी। और अभी नहाना धोना बच्चों को भेजने के बाद। और जब एक चीज़ और, अगर जैसे हम उठते हैं टाइम पे, हर अपना शेड्यूल बना होना चाहिए, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो कहते हैं हम घर गृहस्थी में हैं तो नहीं भी बनाएंगे काम, तो हमें पता ही होते हैं कि करते रहो होना ही है, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर हमारा टाइम फिक्स है इस टाइम पे ये काम होना चाहिए, ये चीज़ अगर आप बना के रख लेते हैं तो आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, टाइम पे फ्री हो सकते हैं, और ये आपका शेड्यूल आपको एक फ्री फील होगा जब आप काम निपटा लेंगे। वैसे आप जब सोचते हैं कभी भी कोई भी काम कर लेंगे तो उसमें थोड़ा सा शेड्यूल नहीं बन पाता है, और हमारे काम भी कई बार आगे पीछे होते हैं, लेट होते हैं। मुझे मतलब मैं यही, मेरा कोशिश यही रहती है हमेशा कि अपना टाइम जो है जो बना रखी हूँ, जिस काम को जिस टाइम पर होना चाहिए, जैसे पूजा जिस टाइम पर होनी है, जिस टाइम पर जो काम होना है, नहाना जिस टाइम पर है तो नहाना उस टाइम, 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए, पर जो टाइम पे काम करने की आदत होती है ना, इससे आप थोड़ा सा जल्दी फ्री होते हैं, आपका
मैं यही पोस्ट बोलना चाहूँगी। और एक्स्ट्रा भी काम आप कर सकते हैं, जैसे घर में हमारे अक्सर कुछ ना कुछ, मेरी कभी सिलाई का काम है, कभी कुछ और एक्स्ट्रा बनाना है, जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो मुझे उसी के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है। तो आप और भी काम, आपके जो काम हैं आप अगर टाइम शेड्यूल बना लेते हैं तो सारे काम भी होंगे और उसके बाद आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से भी ज़्यादा समझदार। अपने सुझाव, अपनी जो आप जिस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं, क्या टाइम शेड्यूल बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है किस तरह से आपकी घर गृहस्थी के काम होते हैं। तो आप अपने सुझाव ज़रूर दे दिया करिए कि ये चीज़ ऐसे करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर मंदिर आ गई थी, तो इनको जाना था जल्दी सुबह, तो ये आज पूजा में बस हाथ जोड़ के भगवान को चले गए थे और बाकी सारी पूजा फिर मैंने करी थी। नहीं, आगे जितनी पूजा की तैयारी होती है ना, अक्सर यही करते हैं, मैं पीछे से पहुंचती हूँ। तो नाश्ता वगैरह हो गया, अब आगे का काम बाकी है जो वो होगा। पहले सबसे पहले तो ये बर्तन अब किचन कर देते हैं, चाय नाश्ते के बर्तन पड़े हैं वो धुल लेती हूँ और उसके बाद करूंगी थोड़ी देर रेस्ट। कपड़े वगैरह आज धुले नहीं, मौसम अभी बल्कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम बता रखा है कि बारिश होगी, 90% फोन में दिखा रहा है कि बारिश होने की संभावना है, तो इसलिए कपड़े नहीं धुले हैं। देख रही हूँ अगर मौसम सही रहा तो कल धुलूंगी, कल वॉशिंग ही लगाने की सोच रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े 2 दिन हो गए बिल्कुल भी नहीं धुले, तो कपड़े भी ज्यादा हो रहे हैं। और मेरा बेडशीट वगैरह चेंज करी थी वो भी है, तो वॉशिंग ही लगाऊंगी। फिलहाल बर्तन किचन कर लो। तो दाल चढ़ाने जा रही हूँ और बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो नाश्ते के बाद अक्सर जब चूल्हा साफ़ करती हूँ ना, तो कभी दाल या फिर दूध, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ चढ़ा देती हूँ और बर्तन धुलते धुलते उस पर नज़र मेरी पूरी रहती है। तो दाल में क्या होता है कि जैसी पहली सीटी आती है तो गैस धीमी करनी होती है, और सीटियाँ आती हैं तो कई बार बहने लग जाता है दाल वगैरह ना, तो वो रहती हूँ पास में तो सीटी को दबा दिया, तो इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। दाल या दूध का नज़र रहेगी, बर्तन बगल में धुलती रहूँगी, देखती रहूँगी और उस समय उतनी देर में वो पक जाएगा। और एक चीज़, मतलब एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा बीच बीच में आते ही रहते हैं कि ये घर आपका है या रेंट का है। तो ये मेरा ही घर है, मैंने बताया भी है पहले और होम टूर भी दिया था। तो हम यहाँ पर, वैसे आप लोग को बता दें कि ये बच्चों को जैसे हम यहाँ पढ़ाने लग गए थे, इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी जब ये फ़ौज में नौकरी करते थे, तो बस बच्चों को पढ़ाने के लिए ये हुआ कि यहाँ पे माहौल जो है पढ़ने वाला थोड़ा ठीक था, बच्चे को कोचिंग वगैरह सब कुछ गांव में नहीं मिल पाती थी, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए थे। तो ये हुआ कि रेंट के घर में कितने दिन होगा, अपना ले लेते हैं छोटा सा घर और जब तक रहना है रहेंगे, उसके बाद जब जाना होगा तो चल देंगे, हो जाएगा बेच के अपना चले जाएंगे, ऐसा मन में था और अभी भी ऐसा ही है मन में, बच्चों को पढ़ाई कराने तक का है। नहीं, सब सारे ही रिलेशन वहाँ पे हैं, मायका ससुराल सब प्रयागराज में है, तो मैं अकेले यहाँ पढ़ जाती हूँ। कई बार सुख दुख में लगता है, अपनों की ज़रूरत पड़ती है और पास में रहने पे वहाँ पर रहता है, हर चीज़ में आप पहुँच सकते हो, यहाँ से बस हम सुन लेते हैं और हाल चाल ले लेते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं हर चीज़ में, हम नहीं पहुँच सकते इतनी दूर से। तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत फील होती हैं, परिवार को बहुत मिस करती हूँ मैं, तो इसलिए मैंने, ये डिसीजन है मेरा, ये हम लोगों का सबका मतलब है कि हम यहाँ से अपना बच्चों को पढ़ाने के, मतलब पढ़ लेंगे, फिर वहाँ देखा जाएगा अपना, वहीं शिफ्ट होंगे। और यहाँ पर मैंने आज आम ये लेकर आए थे, कच्चे आम, तो बच्चों का मन, वो जो गुरम्मा मैंने बनाया था पिछली बार चीनी का बनाया था, और लौंजी भी बोलते हैं, लौंजी जो है पीस चीनी की बनाई थी, इस बार मैं गुड़ की बना रही हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। दो ही लोग सबसे ज़्यादा, मैं और ये दीपू, और ये थोड़ा बहुत खाते हैं, दीक्षा और देव बिल्कुल नहीं खाते हैं ये मीठी वाली लौंजी, तो बस इसीलिए बना लिया है। और इधर थोड़े से काटे हैं, इसको छिलकी बोलते हैं, हमारे गाँव में इसे आम की छिलकी बोला जाता है,
और ये बहुत अच्छी लगती है, फ्रेश फ्रेश जब बनती है और कुछ दिन तक खाओ ना, इतनी अच्छी लगती है और बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। और तो यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा लहसुन छीला है मैंने और इसको बस थोड़ा सा कूट लूँगी। मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, थोड़े से थे तो इसलिए मैंने इसमें ही कूट लिए। और कढ़ाई में थोड़ी सी मंगरेल, और मंगरेल जो कलौंजी बोलते हैं, कलौंजी, और थोड़ी सी सौंफ और मेथी, बहुत ही कम जीरा, समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा मेथी जीरा, ये समझ लीजिए नाम मात्र का, आधा आधा चम्मच भी नहीं रहा होगा। और सौंफ और मंगरेल, मतलब सौंफ और कलौंजी, पता नहीं कोई मंगरेल बोलता होगा कोई कलौंजी बोलता होगा, तो वो थोड़े थोड़े से लेके भूंज लिए थे हल्के से। उसके बाद ये लहसुन जो है डाल दिया है जो कूटा था, उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे, और उसके बाद इसमें डाला है मिर्च कूटी हुई घर में, जो मैंने चिली फ्लेक्स बना कर रखा था, थोड़ी सी हल्दी डाली है, हींग डाल दिया है थोड़ा सा, और अब इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। बस हो गई, देखिए मिनटों में तैयार होती है। और ये छिलकी मतलब अच्छी लगती है खाने के साथ, आप खा के, बनाया हो आप लोगों ने ज़रूर बताइएगा, हमारे यहाँ तो ये बनती है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, खासकर दीक्षा को, तो बस इसीलिए मैंने बना दिया है कि ये ताज़ी ताज़ी कुछ दिन खाएंगे, उसके बाद तो फिर अचार खाएंगे, अचार साल भर खाते हैं इसको, तो बस ये जब फ्रेश बनती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बाद में एकदम सॉफ्ट हो जाती है तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं इसको, थोड़ा बहुत जैसे लौंजी बनाते हैं वैसे इसकी छिलकी भी बना लेते हैं सीजन में खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। बस इसको अब डिब्बे में भर के रख दूँगी। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का समय आ गया है, मेरी मीठी खट्टी दोनों ही, मैंने दोनों ही तरह की बना ली है, और कुछ दिन जब तक ये आम का सीजन है, आम वाली चीज़ें सब बनाओ खाओ, अच्छा लगता है ना खाने में बनाने में। चलिए फिर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।